स्पेस सीरीज के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम यूनिवर्स से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक लाएंगे, जो आपके ज्ञान और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सवालों का एक जवाब होंगी। तो बिना समय गवाए मैं शुरू करता हूँ। वैसे तो ब्रह्मांड को जानने की कोई सीमा नहीं है, इसे जितना जानो उतना कम ही है। कोई भी भौतिक पदार्थ, ऊर्जा, ग्रह, तारे या कोई गैलेक्सी, ये सभी मिलकर रचना करते हैं इस महाविशाल ब्रह्मांड की। और ऐसा माना जाता है कि इस ब्रह्मांड का कोई छोर भी नहीं है, और अगर है भी तो हमारी उस तक कोई पहुंच नहीं है। कितनी भी अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर ली जाए, पर हम अपनी गैलेक्सी से बाहर जाने तक की ऊर्जा क्षमता विकसित नहीं कर पाते। यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, कॉस्मोस जिसका अर्थ है यूनिवर्स, तथा लोगोस जिसका अर्थ है साइंस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अपने सोलर सिस्टम से, जिसमें हम जानेंगे सूर्य को। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सोलर सिस्टम होता क्या है। अगर हम सूर्य के सारे ग्रहों को और उसके इलिप्टिकल पाथ में आने वाले क्षुद्र ग्रहों को साथ में जोड़ें, तो ये एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें सारे ग्रह अपने स्टार के चारों ओर घूमते हैं। दोस्तों, सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी उसका ग्रह। दूसरे शब्दों में कहें तो आज से 15 अरब सालों पहले सब कुछ एक बड़ी संगठित पदार्थ के रूप में था, और इसमें हुआ एक बड़ा धमाका, जिससे इस ब्रह्मांड में हर चीज की रचना हुई। लेकिन आखिर उस बड़े धमाके के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि गैलेक्सी में मौजूद हर चीज एक दूसरे से दूर जाने लगी, और इसी तरह ब्रह्मांड का निर्माण और विस्तार होना शुरू हुआ। आज भी ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। उसी से हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे की रचना हुई। आज हम यही जान रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में सूर्य क्या है। जब बिग बैंग हुआ तो अरबों खरबों गैलेक्सीज बनी। उनमें से एक हमारी गैलेक्सी है, जिसमें सूर्य जैसे लाखों करोड़ों तारे हैं, जो ज़्यादातर हाइड्रोजन गैस और डस्ट से बने हैं। यहाँ मैं कॉस्मिक डस्ट की बात कर रहा हूँ। हमारा सूर्य भी उन्हीं में से एक तारा है, जिससे उसके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, और ग्रहों से उपग्रहों की, यानी कि सूर्य से पृथ्वी बनी और पृथ्वी से चंद्रमा। सूर्य गैलेक्सी में घूम रहा है। सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी की एक नेचुरल सैटेलाइट है। दोस्तों, सैटेलाइट क्या होता है?